तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज हीरो की स्प्लेंडर प्रो बाइक है और इसमें हम डालने वाले इंडिकेटर शीशा, डालने वाले इंडिकेटर ग्लास जो होता है हमारा वो डालने वाले हैं। देखो चाबी ऑन है और यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर में हमारे जो ग्लास रहता है इंडिकेटर का व्हाइट कलर का ग्लास रहता है वो नहीं है। तो ये इंडिकेटर तो बिल्कुल बढ़िया है, देख सकते हो आप लोग। तो इसमें हम डालेंगे सिर्फ ग्लास जो हमारा शीशा होता है बाहर का। देखो इंडिकेटर भी चालू है, ये देखो इंडिकेटर चालू है, बिल्कुल इंडिकेटर सही है। सिर्फ हमारा जो शीशा रहता है जो ग्लास रहता है वो नहीं, तो इसका ग्लास करेंगे चेंज। नया ग्लास ये है, तो नया ग्लास ये है, इसको लगाना कैसे ये बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना और ये स्क्रू और ये पट्टी जो इसी में लगेंगी कहाँ पे लगेंगी ये मैं आगे आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। तो आप लोगों को सिर्फ एक पेचकस लगेगा बस, और बाकी तो हमारा सामान सब लगेगा। देखो ये इंडिकेटर हमारा कहीं से भी टूटा नहीं है, सिर्फ ग्लास हमारा टूट गया। ये देखो ये ग्लास टूट गया, बाकी इंडिकेटर बिल्कुल ठीक है। तो इसको इस तरीके से लगा देंगे इस तरीके से, तो हमारा जो इंडिकेटर है वो फिर से पुराने जो हमारा पुराने जैसे था वैसा ही हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा जो ग्लास चेंज करना पड़ेगा, ग्लास इसका टूट गया था तो ग्लास सिर्फ लगाएंगे, कैसे लगाना है वो बताएंगे आप लोगों को। तो ये पट्टी हमारी जो ले लेना इस तरीके से, ये पट्टी उसी शॉप में मिलेगी जहां से आप इंडिकेटर ग्लास लोगे, उसी शॉप में ये पट्टी और स्क्रू इसके साथ में ही मिलेंगे। तो ये पट्टी को हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लगा लेते हैं, ये देखो इस तरीके से लग गया। अब हम इसको चलो फिटिंग कैसे करना वो बताते हैं आप लोगों को। ये पट्टी हमारी प्रॉपर बैठ चुकी है, अब इंडिकेटर में इसको फिटिंग करने के लिए देखो यहाँ पे ये वाला जो खांचा है, ये वाला खांचे को, ये वाले खांचे को इंडिकेटर में इस जगह पे लगाना, इस जगह पे अंदर ये चला जाएगा। और ये देखो ये वाला खांचा जो हमारा ये वाला इसके अंदर जाएगा, और जो हमारा पट्टी जहाँ पे हमने लगाया था वो यहाँ पे लगेगा इस जगह पे यहाँ पे, और जो हमारा नीचे स्क्रू था नीचे से वो टाइट कर लेगा, यहाँ पे स्क्रू लगेगा नीचे। तो चलो पहले इसको बैठा देंगे, देखो इस तरीके से खांचे में यहाँ पे हम इसको बैठा लेंगे, इस तरीके से बैठा लेंगे ये आराम से बिल्कुल। ये देखो बैठ गया, ये प्रॉपर जो हमारा इंडिकेटर ग्लास वो बैठ चुका है। अब जो इसका जो हमारा स्क्रू था, स्क्रू लेते हैं और स्क्रू लगाते हैं। देखो ये मेरे हाथ में स्क्रू है, तो इंडिकेटर और स्क्रू, ये देखो ये स्क्रू यहाँ पे लगेगा इस जगह पे, ग्लास हमारा इसी से टाइट हो गया। देखो ऐसे लगा लेंगे इसको ऐसे, ये देखो ये फंस गया। अब ले लेना एक पेचकस और पेचकस से स्क्रू को कर देना है फुल टाइट, फुल टाइट करना है, इतना टाइट करना है कि आपका जो ग्लास है वो क्रैक ना हो। बहुत प्यार से टाइट करना, बहुत ज्यादा भी नहीं टाइट करना है, बिल्कुल आराम से टाइट करना, इतना टाइट करना कि हमारा ग्लास जो है वो टूटे नहीं। अगर यहाँ का हम स्क्रू ज्यादा ताकत लगा के टाइट कर देंगे तो हमारा ग्लास जो वो टूट जाएगा। तो इसको बिल्कुल आराम से देखो इस तरीके से टाइट कर लेना, इस तरीके से देखो बिल्कुल आराम आराम से इसको, इतना बस टाइट हो गया। अब हमारा ग्लास जो प्रॉपर फिटिंग हो चुका है, ये देखो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो देखो अब हमको नया डालने की जरूरत भी नहीं, यहाँ से पहले चाबी ऑन करते हैं। देखो इंडिकेटर चालू पड़ गया, देखो चालू हो गया। तो अब हमको क्या है, नया इंडिकेटर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमने जो ग्लास इसका चेंज कर दिया, ग्लास ज्यादा महंगा नहीं है, ग्लास सिर्फ है 15 रुपए का, बस 15 रुपए का ग्लास है। तो ग्लास ला के चेंज कर लेना अगर आपका इंडिकेटर अच्छा है तो। चलो वीडियो को करते हैं एंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।